फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी सिलाई से रिलेटेड एक्सेसरीज़। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है, ये महाराष्ट्र से आया है और इसी की अनबॉक्सिंग आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसको हम ओपन करके देखते हैं कि ये क्या है। ये बहुत ही मेरी सिलाई में बहुत ही काम आने वाली चीज़ है, मेरी मशीन के लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। ये देखिए, ये है मेरी मशीन के लिए एक्सटेंशन टेबल, जो मेरा मशीन है उषा स्टिच मैजिक जेनोम, उसके लिए मैंने ये मंगवाया है स्पेशली। अगर आपको मंगवाना है तो आप अपनी मशीन के नाम का ही, मशीन का जो आपका नाम हो उससे सर्च कीजिएगा तो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। मटेरियल काफ़ी अच्छा है इसका, बट बहुत जिस कॉस्ट में मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन ठीक है, इसे हमें इस तरह से फिट करना होगा शायद। इसे फिट करके हम अपनी मशीन में लगा के देखेंगे इसे कि ये कैसे फिट होता है। ये देखिए, ये एक टेबल का रूप ले लिया है। अभी हम इसे अपनी मशीन में लगाएंगे, इसके पहले हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा इसे, और इसको हम इसमें अटैच करेंगे। इस तरह से हमें इंसर्ट करना होगा। ये मुझे दिख रहा है थोड़ा सा ये ऊपर नीचे है, तो मुझे लगता है इसका ये जो स्क्रू है थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा ताकि ये ऊपर हो जाए थोड़ा। इसको मैं लूज करके देखती हूँ इसे लेबल में लाने के लिए। ये अभी भी थोड़ा नीचे दिख रहा है, तो इसको मैं फिर से लूज करूँगी। देखते हैं ये कितना नीचे हो सकता है, पहले इसको खोल के देखते हैं कि इसमें स्क्रू कितना है, लंबा है क्या है, इसको पहले मुझे चेक करना पड़ेगा। ये तो काफ़ी लंबा स्क्रू है, इसको हम इतना, कम से कम इतना तो हम लोग ऊपर कर ही सकते हैं। इसको हम अपनी मशीन की ऊंचाई के अकॉर्डिंग कसेंगे ताकि हमारा टेबल बराबर में आ जाए मशीन के। इस तरह से हमने इतना इतना सबको लूज कर लेना है। अब हम लगा के देखते हैं कि लेवल में आया या नहीं। ये देखिए, ये एकदम लेवल में आ गया है। इस तरह से हमें इस टेबल के हेल्प से हमें काफ़ी स्पेस मिल जाएगा स्टिचिंग करने के लिए, क्योंकि नेक वगैरह बनाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो ये टेबल जब हो जाएगा तो फिर अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे लिए तो बहुत ही यूज़फुल रहेगा ये। आप भी इसको मंगवाइए और अपना सिलाई का काम इजी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।